देखिए ये हमारा चारबाग बस स्टैंड, ये जो बस खड़ी है ये हमारा रायबरेली बछरावा। तो गाइस ये देखिए ये पूरा हमारा चारबाग बस स्टैंड, ये देखिए हमारी बस जो लखनऊ से गोरखपुर की लगी है, सेकेंड में हमारी प्रतापगढ़ रायबरेली के लिए लगी है, इधर गाइस आप देख सकते हैं ये बहराइच के लिए लगी है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस ब्लॉग में गाइस मैं आपको बता दूँ, आज का जो ब्लॉग है इस ब्लॉग में हम चारबाग बस स्टैंड को कवर करेंगे। और गाइस मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही चारबाग बस स्टैंड भी है। गाइस अगर आप चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और अगर आपके आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आप चारबाग बस स्टैंड से जा सकते हैं। और तो गाइस आज के इस ब्लॉग में आपको चारबाग बस स्टैंड पूरा दिखाऊँगा। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और गाइस बता दूँ कि अभी मैं फ़िलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं यहाँ से पूरा आपको रूट भी दिखाऊँगा कि यहाँ से कैसे आपको चारबाग बस स्टैंड पे जाना है। तो गाइस वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे सामने ये देखिए ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, ये कुछ ऐसा है चारबाग रेलवे स्टेशन। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चारबाग रेलवे स्टेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा चारबाग रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट बगल में ही हमारा इस तरफ लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ पर गाइस मैं एक और बता दूँ कि यहाँ पर बहुत आदमियों को डाउट होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दो रेलवे स्टेशन है, एक चारबाग रेलवे स्टेशन और एक है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये देखिए ये है हमारा लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और गाइस मैं बता दूँ कि लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही हमारा, ये देखिए आप सामने देख सकते हैं चारबाग मेट्रो स्टेशन है। हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता एग्जैक्ट यहाँ से होते हैं हम यहाँ से, और यहीं से गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमें लेफ्ट होके जाना है। लेफ्ट में हमारा चारबाग बस स्टैंड है, ये देखिए इधर हमारा ये मंदिर भी है, एग्जैक्ट गेट के पास ही अपना ये मंदिर भी है चारबाग रेलवे स्टेशन के, जहाँ से हम बाहर होते हैं। और ये देखिए चारबाग मेट्रो स्टेशन है और इसके हम नीचे से बाएं साइड में होकर चलेंगे। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें इधर लेफ्ट साइड में जाना है। ये देख ये जो ऊपर ओवरब्रिज देख रहे हैं ये हमारी लखनऊ मेट्रो है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए आपको बाहर निकलते ही आपको जरूरत की सारी सामानें मिल जाएगी, खाने पीने का भी सब कुछ सामान, और कुछ अगर सामान भी लेना है तो सब कुछ ये रोड के किनारे किनारे लगा रहता है, कुछ भी कोई भी सामान जो भी जरूरत का है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए चार बाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और अगर आपको यहाँ पे नाइट आउट करना है तो यहाँ पे आपको होटल की काफ़ी अच्छी सुविधा है, जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ पे आपको होटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए इधर सारे और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारा फर्स्ट चौराहा है, यहाँ से आप केजीएमयू को जा सकते हैं और अमीनाबाद और चौक ये सब इस रास्ते से आप जा सकते हैं। आगे एक और चौक पड़ेगा, उसी के जस्ट बगल में हमारा चारबाग बस स्टैंड है, मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर और रह गया है बस चारबाग बस स्टैंड। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये चारबाग बस स्टैंड है, काफ़ी अच्छा बस स्टैंड है और यहाँ से आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी। यहाँ से आपको अंदर को हो जाना है और ये देखिए आपको सामने मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा चारबाग बस स्टैंड, ये देखिए। और गाइस मैं और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कहाँ कहाँ की बसें वगैरह यहाँ से जा सकती है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। गाइस आप सामने देख सकते हैं ये हमारा चारबाग एरिया है, इधर आप बसों का वेट वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा है,
यहाँ पे पीने का पानी का भी अच्छा है सुविधा है। चार बाग बस स्टैंड है यहाँ, इसका तीन एंट्री और एग्जिट गेट है। ये देखिए यहाँ से भी इसकी बसों का एंट्री होता है और इधर बसें भी खड़ी रहती है। और आप गाइस आप देख सकते हैं ये जो बस खड़ी है, ये हमारा रायबरेली बछरावा चार बाग लखनऊ की बसें जाती है। ये देखिए इधर भी हमारी बसें खड़ी है। तो गाइस ये देखिए ये पूरी बसें यहाँ पे वेटिंग करती हैं और समय होने पे ये अपने बस का जो प्लेटफार्म बना है उस प्लेटफार्म पे जाकर लगती है। और गाइस ये देख सकते हैं ये हमारी रायबरेली के लिए है बस। ये देखिए वीरपासी एक्सप्रेस। तो गाइस ये है पूरी इधर बसें लगी रहती है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस बस स्टैंड से आपको केवल उत्तर प्रदेश से केवल लोकल जिलों की बसें ज़्यादा मिलती हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के जगहों पर जाना चाहते हैं या फिर एसी बसें वगैरह चाहते हैं तो इसके लिए आपको आलमबाग बस अड्डा जाना पड़ेगा। और गाइस मैं बता दूँ कि आलमबाग बस अड्डे का भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए ये पूरा हमारा चार बाग बस स्टैंड, ये देखिए सभी बसें यहाँ अपने अपने प्लेटफार्म पे लगी है। टोटल यहाँ पे 1 से 11 प्लेटफार्म है। और गाइस आप देख सकते हैं सामने हमारे चार बाग। और गाइस इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारी बस जो लखनऊ से गोरखपुर की लगी है, दूसरा हमारा ये गोरखपुर की ही बस है, इधर हमारे प्रतापगढ़ की लगी है, ये चौथी बस सुल्तानपुर के लिए लगी है। और ये देखिए गाइस हमारी ये बछरावा के लिए बस लगी है, ये भी हमारा बछरावा के लिए एक बस लगी है। इधर हमारा सुल्तानपुर के लिए बस लगी है, ये हमारा कानपुर, दूसरा सुल्तानपुर, यही सब यहाँ से लोकल जिलों की बसें यहाँ पूरी लगी हुई है। ये देखिए देख सकते हैं आप कॉर्नर में हमारा सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी स्थित है। इधर हमारा पीने का पानी, नहाने का पानी वगैरह सब कुछ यहाँ पर, इधर भी सार्वजनिक शौचालय, इधर भी सब कुछ उपलब्ध है। और ये देखिएगा इधर भी हमारा लालगंज फतेहपुर के लिए बस लगी है, इधर भी बछरावा, ये सब मतलब लखनऊ के लोकल जगह की बसें पूरी लगी हुई है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैठने के लिए वेटिंग एरिया ये पूरा ही है। इधर गाइस आप देख सकते हैं इधर हमारा पूछताछ के लिए ये देखिए प्लेटफार्म पे बसें लगी हुई है। ये देखिए सेकेंड में हमारी प्रतापगढ़ रायबरेली के लिए लगी है, इधर भी हमारी प्रतापगढ़ के लिए लगी है, इधर हमारी गोंडा के लिए लगी है, आगे वाली गोंडा बलरामपुर के लिए लगी है। ये देखिए ये पूरी 1 से 11 प्लेटफार्म है और पूरी प्लेटफार्म पे बसें लगी हुई है। इधर गाइस आप देख सकते हैं ये बहराइच के लिए लगी है, इधर हमारा जगदीशपुर हैदरगढ़ के लिए लगी है। और इधर तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लखनऊ बछरावा लालगंज भोजपुर के लिए बस लगी है, इधर हमारा हैदराबाद लखनऊ हरदोई दिल्ली के लिए बस यहाँ जाते आती है। और ये देखिए ये पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें लगी है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ से नॉन एसी लगभग सभी बसें मिलती हैं। और अगर आप अगर एसी बसों में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आलमबाग बस स्टैंड, वहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं। और गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ लखनऊ रायबरेली सरवन प्रतापगढ़ की बस लगी है, इधर हमारा प्रतापगढ़ लालगंज अजहरा रायबरेली लखनऊ की बस लगी है, इधर भी सेम वही बस लगी है। तो गाइस ये है हमारा पूरा, आप देख सकते हैं पूरा ये चार बाग बस स्टैंड का पूरा ये व्यू। तो गाइस अगर आप कभी भी चार बाग स्टेशन या फिर लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और अगर आपको बस से सफ़र करना है तो आप आ सकते हैं और आप यहां से बस पकड़ के आप लखनऊ के सभी आसपास के जिलों में कहीं भी जा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये देखिए चार बाग जो बस स्टैंड है उसमें अपना वेटिंग हॉल के साथ ही, देखिए खाने पीने की भी सभी कैंटीन वगैरह सब उपलब्ध है, आप यहां से कुछ भी खाने पीने का सामान वगैरह ले सकते हैं, सब कुछ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा चार बाग बस स्टैंड को दिखाया और यहाँ से कहाँ की बसें जाती है इसके बारे में सब कुछ बताया। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम भारत।